जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो मेंस के लिए होती है, भले ही वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जो भी स्टेट पीएससीज होती है, उसके मेंस में भी आंसर राइटिंग की जाती है। इसलिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है बहुत ज़रूरी होती है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ऐसा आपके सामने लेकर आऊँगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, आपका आंसर किस तरीके से होना चाहिए, लैंग्वेज कैसी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन लिया है, जो अक्सर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो गलत इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को, और उसका जो जवाब है वो भी गलत तरीके से लिखते हैं। इसलिए मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से किया जाता है और उसका जवाब किस तरीके से लिखा जाता है। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन यूथेनेशिया। अब यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये देखते हैं कि लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन यूथेनेशिया। अब वो क्या करेंगे, वो ये लाइन पकड़ लेंगे और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है उस पर लिखना शुरू कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में यूथेनेशिया पर ये किया था, ये जजमेंट दिया था। एक्टिव यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया ऐसा होता है, उसके बाद जो पैसिव यूथेनेशिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, थोड़ा लीगलाइज किया है स्ट्रिक्ट एक्शन में। उसके बाद ये बताएंगे कि ये जजमेंट के बाद क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, फिर उसके बाद बताएंगे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, फिर उसके बाद क्रिटिकली एनालिस्ट जो कंक्लूजन करते हैं, कंक्लूजन में लिख देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये सतर्कता हमें लेनी चाहिए, ये सतर्कता, अगर ये रिस्ट्रिक्शन अगर हम सर्विलेंस अच्छे से करते हैं तो ये जजमेंट काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो ये गलती कर देंगे, क्वेश्चन उस पर है ही नहीं। क्वेश्चन है कि एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है उसका स्कोप हमें यहाँ पर देखना है इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन यूथेनेशिया। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये हमें क्वेश्चन इस तरीके से समझना होता है, हमारा जो अप्रोच है वो इस तरीके से रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अब अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है यूथेनेशिया और उसके प्रकार किस तरीके से है। उसके बाद अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बोला गया है, तो हमें ये भी देखना है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई जजमेंट दिए हैं क्या, और आज से और प्रेजेंट जजमेंट है उससे किस तरीके से अलग थे। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आप सिर्फ यहाँ ख़त्म कर दोगे कि जो लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जैसा अप्रोच रखते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बताएंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे, उसके बाद कंक्लूजन में क्रिटिकली एनालिस कर लेंगे, लेकिन मार्क्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, यहाँ पर कोई आपको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट भी लिखते हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो, तो उसमें भी जो वैल्यूअर होते हैं, चेक करने वाले होते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें नॉलेज है। यहाँ भी आपका नॉलेज देखा जाता है और आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट है ऑन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो देखना है, उसके बाद कंक्लूड करना है विद द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट्स आना बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें भी आपको जो मैंने लक्ष्मीकांत किताब सीरीज़ ली है, तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा प्लेलिस्ट, तो उसमें आप देख सकते हो जितने फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर है वो सब मैंने कवर किए हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत आपको काम आएगा। अब शुरू कैसे करना है, तो आंसर किस तरीके से लिखना है, देखिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, कम शब्दों में ज़्यादा बयान करने की कोशिश करिए। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको शायर बनना है, लेकिन आपको कम शब्दों में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको बताना है। इसमें आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग रहना ज़रूरी है, अगर नहीं भी है तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा एक ही पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना है। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले आपको यूथेनेशिया क्या है वो बताना है, तो ये सबसे पहला पॉइंट वो आ जाएगा, यूथेनेशिया इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। अब ये काफ़ी
पुराना 2017 का टॉपिक है, तो 2018 के प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता ही होगा यूथेनेशिया बेसिकली क्या है। तो यूथेनेशिया जो है ये प्रैक्टिस है जिसमें इंटेंशनली जो लाइफ होती है, अगर कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पेन या सफरिंग से गुजर रहा है, वो चाहता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ पेन की वजह से, ना कि कोई डिप्रेशन ऐसी कोई वजह से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी को और ऐसी कोई बीमारी है जो रिकवर नहीं होने वाली है, और वो रिकवरी नहीं होने वाली इसलिए उसकी जो लाइफ है वो सफरिंग और पेन में ही रहने वाली है, तो वो चाहता है उसकी जो लाइफ है वो एंड हो जाए। तो उसकी जो लाइफ है इंटेंशनली एंड करना, वो जो प्रैक्टिस होती है उसे हम कहते हैं यूथेनेशिया। अब उसमें भी दो प्रकार होते हैं, अब यहाँ पर हमें टाइप समझाने पड़ेंगे। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसा सब्सटेंस दिया जाए, एक जहर हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसा जहर या सब्सटेंस दिया जाए जिससे कि उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए। और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है कि जो भी चीज़ें उसको ज़िंदा रख रही है, जैसे कोई भी अगर वेंटिलेशन पे हो तो जो भी चीज़ें उसे ज़िंदा रख रही है वो सब निकाल ले, उसे हम कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। तो ये दो चीज़ें होती है। आपको लिखना भी अच्छे वर्डिंग्स में है, ऐसा नहीं है कि आप जैसा हिंदी में हम समझते हैं वैसा ही लिखो, लेकिन उसे अच्छे वर्डिंग्स में लिखना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये है, यूथेनेशिया इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग अ लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। एक्टिव यूथेनेशिया एंटेल्स द यूज़ ऑफ लीथल सब्सटेंसेस टू एंड लाइफ, वेयर एज पैसिव यूथेनेशिया एंटेल्स विथहोल्डिंग ट्रीटमेंट नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ। तो आप जो भी वर्डिंग्स है वो यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से आपको वर्डिंग्स रखनी है जिससे कि इंप्रेशन एक अच्छा पड़े। एक जो वर्ड होता है उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो आप थोड़ा अगर जो नॉर्मल इसमें हम वर्ड यूज़ करते हो ना यूज़ करके अगर कोई और वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल करते हो तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। प्रेजेंटली एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो इलीगल है भारत में, लेकिन जो पैसिव यूथेनेशिया है उसे अलाउड कर दिया गया है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में। अब ये अलाउड करने के बाद भारत जो है वो बाकी जो कंट्रीज़ है जैसे नेदरलैंड, कैनेडा, बेल्जियम, कोलंबिया, तो ये जो बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी पैसिव यूथेनेशिया जो है उसे लीगलाइज कर दिया गया है, तो इंडिया भी उनके रेस में आ चुका है। अब यहाँ पर हमें देखना है जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, पहले किस तरीके के जजमेंट आए हैं। तो यहाँ पर ज्ञान कौर केस जो था 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड यूथेनेशिया एंड असिस्टेड सुसाइड एज इलीगल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो केसेस है वो भी हमें पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन कौन से केसेस आए हुए हैं इससे पहले भी, और सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन रह चुके हैं। अब यहाँ पर जो अरुणा शांगबाग केस था उसमें 2011 में जो आया था, ये केस आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो उसमें यूथेनेशिया जो है वो अलाउड कर दिया गया था अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस रहने चाहिए और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है, तो वहाँ पर आपको यूथेनेशिया जो है वो अलाउड कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी सालों तक ये जो थी कोमा में थे। तो काफ़ी दर्दनाक कहानी है, आप नेट पर सर्च कर सकते हो, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 लीगलाइज यूथेनेशिया एंड लिविंग विल, हेल्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। जो लेटेस्ट जजमेंट आया है उसमें यूथेनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में, और यहाँ पर राइट टू डाई विद डिग्निटी जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है कि आपको जीने का हक है विद डिग्निटी, लेकिन आर्टिकल ये भी इंक्लूड कर दिया गया है कि आपको मरने का भी हक है विथ डिग्निटी। अब यहाँ पर हम इम्पैक्ट देखते हैं, अब फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका स्कोप हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपके आंसर में ये जो पार्ट है ये नहीं आता है तो आपको बहुत कम मार्क मिलेंगे, लेकिन अगर ये आता है तो आपके 3 से 4 मार्क अपने आप बढ़ जाएंगे जितने भी आपको मिलने वाले थे। अब यहाँ पर जितने आपको मिलने वाले थे, ऐसा नहीं है कि पूरे आंसर में आपको 3-4 मार्क मिलेंगे, वो नहीं, एक्स्ट्रा आपको 3-4 मार्क मिलेंगे अगर इतना पार्ट आपके आंसर में आता है तो। अब यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विथ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25, एज मेनी रिलीजियंस डू नॉट प्रोपोगेट आइडिया ऑफ सुसाइड और यूथेनेशिया। अब बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो प्रमोट नहीं करते हैं इस चीज़ को, तो उस वजह से अब यहाँ पर जब लीगलाइज कर दिया गया है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। इंट्रा कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ आर्टिकल 21, अब यहाँ पर राइट टू लाइफ है विद डिग्निटी, लेकिन यहाँ पर राइट टू डेथ भी है विद डिग्निटी, तो यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो इंसान है ये
किस तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, राइट टू लीव विद डिग्निटी की तरफ या राइट टू डेथ विद डिग्निटी की तरफ। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो सकता है। एज द आइडिया ऑफ कंसेंट इन वेजिटेटिव स्टेट कैन नेवर बी क्लियरली असर्टेन इवन एट द स्टेज ऑफ द हेल्दी एंड नॉर्मल लाइफ, रेगुलेशंस ऑफ लिविंग विल क्रिएट चैलेंजेस फॉर आर्टिकल 21। तो आप यहाँ पर समझ सक रहे हो कि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी, ये चीज़ें एक चैलेंज क्रिएट कर सकती है आर्टिकल 21 के लिए। उसी के साथ साथ जो एक्टिव यूथनेशिया है एंड असिस्टेड सुसाइड कैन इन फ्यूचर बी आर्ग्यूड टू बी इंक्लूड इन आर्टिकल 21। अब यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया तो इंक्लूड कर दिया गया है स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ, लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि जो सुसाइड है और जो एक्टिव यूथनेशिया है वो भी इसमें इंक्लूड कर दो, तो उस वजह से क्या होगा, मोर लीगल एथिकल चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है फंडामेंटल राइट में, ये हम स्कोप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अब उसी के साथ हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। अब कंक्लूड हमें इस तरीके से करना है, केसेस ऑफ यूथनेशिया आर नॉट केसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग लाइफ बट ओनली ऑफ एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेथ विच इज ऑलरेडी कमेंस्ड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत बारीकी से सुनने की ज़रूरत है, बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो पैसिव यूथनेशिया हमने लिया है, अडॉप्ट किया है, लीगल किया है, उसका क्या मतलब है कि ऐसा इंसान जो कभी रिकवर नहीं हो सकता है, वो पेन और सफरिंग उसकी ज़िंदगी भर रहने ही वाली है। जिस इंसान को उसकी ज़िंदगी रोज मार रही है, वैसे इंसान को हम जो वेंटिलेशन हो, जो भी सपोर्ट हो जिससे वो ज़िंदा रह रहा है या रह रही है, वो निकाल लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो यहाँ पर ये ऐसा केस नहीं है कि आपकी जो लाइफ है वो ख़त्म कर रहे हैं, पर जो आपकी नेचुरल डेथ आने ही वाली है, मतलब 3 महीनों में वो मरने ही वाले हैं, 4 महीनों में वो मरने ही वाले हैं, तो उससे सिर्फ एक्सेलरेट कर रहे हैं कि आपका जो सपोर्ट है, वेंटिलेशन है, वो वेंटिलेशन के अगर देते हैं हम तो आप 1 महीना ज़िंदा रहोगे, अगर वेंटिलेशन निकाल लेते हैं तो 10 दिन ज़िंदा रहोगे। तो आपको सिर्फ जो नेचुरल डेथ आने वाली है उसे सिर्फ एक्सेलरेट कर रहे हैं। दस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन कॉमन कॉज केस कैन हेल्प ब्रिंग रिलीफ टू पीपल बियरिंग अननेसेसरी पेन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो यहाँ पर अननेसेसरी पेन जो बियर कर रहे हैं पेशेंट, वो यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो उसी के साथ साथ रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रेंट टू चैलेंज द इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर जैसा हमने देखा था, रिलीजियस जो कंस्ट्रेंट है, रिलीजियस कंस्ट्रेंट यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। सोशल कल्चरल जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं रहेंगे, हमने आर्टिकल 25 में देखा हुआ है कि बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जो इसे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। अब इंडिया जो है वो हाईली अनइक्वल सोसाइटी है, अवेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग विल्स विल बी कन्फाइंड टू फ्यू। अब यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता रहेगा कि लिविंग विल क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है, कि काफ़ी अनइक्वल सोसाइटी है। अब ये जो यूथनेशिया है, ये प्रोहिबिट किया गया है US में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इसलिए लीगल प्रेसिडेंस माइट बी चैलेंज टू, लीगल प्रेसिडेंस जो है वो भी चैलेंज किया जा सकता है। और इसे अगर आपको पूरे ही पॉजिटिव तरीके में खत्म करना है, तो आप इसी तरीके से जो हमारा पहला सेंटेंस है, पहला पॉइंट है, उससे ही आप यहाँ पर खत्म कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से ये जो आंसर है इसे कंक्लूड करना है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि एक आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, हमारे जो वर्डिंग्स है वो किस तरीके से होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समझाने का तो मुझे बहुत कम था, क्योंकि यूथनेशिया आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्या है, लेकिन आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, हमारी लैंग्वेज किस तरीके से रहनी चाहिए, वो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक मॉडल क्वेश्चन है आपके लिए, अल्टीमेट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो है, जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हूँ मैंने हमारे पॉलिटी लेक्चर्स में। In a democracy, our people and social audit is a powerful tool to empower those people. Examine करना है हमें, तो approach हमें किस तरीके से रखना है, एक introduction देना है आपको democracy के बारे में, और उसी के साथ यहाँ पर लोगों के बारे में, मतलब how people are the ultimate masters in it, तो यह हमें बताना है। उसके बाद compare करना है CAG का audit और social audit जो होता है, उसके highlights, importance of the latter। उसके बाद हमें देखना है कि सोशल ऑडिट जो है वो एक पावरफुल टूल है इन द हैंड ऑफ कॉमन मैन, ये बताना है हमें क्या हो सकता है ये। फिर उसके बाद कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर ये जो जवाब है आप मुझे मेल कर सकते हो
mmbean7102@gmail.com, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी भी दे दूंगा, तो आप उस पर मुझे भेजिए, वो मैं रिव्यू करूंगा, ताकि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको कितना आप अच्छा लिख रहे हो वो भी पता चलेगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो वहाँ भी लिख सकते हो, और जो भी चेंजेस लगेंगे वो मैं आपको मेल के थ्रू बताऊंगा भी। तो इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अगर आप लिखते हो और आप मुझे सेंड करते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।